हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो लीजिए, हम हाजिर हो गए भाई एक और वीडियो लेके। और आज का थंबनेल देखकर तो आप हैरान हो रहे होंगे कि मिश्रा जी ये क्या थंबनेल लगा दिया है, बाइक टैक्सी, गधा मजदूरी है या फिर स्मार्ट वर्क। तो आपको डिसीजन लेना होगा, हम सिर्फ आपको सही से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रेरणा मिल सके। वो प्रेरणा भाई वो वाली नहीं जो खर्चा कराती है, वो वाली जो खर्चा बचाएगी। जी हाँ, बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, बाइक टैक्सी में काम करने के जो तरीके होते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाइक टैक्सी के अंदर गधा मजदूरी कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं स्मार्ट वर्क। भाई सुन लो, दुखी हो गए हैं, कल पूरे दिन खाली बैठ गए, चले गए। एक तारीख से 1000 रुपए का काम हुआ है। और परसेंटेज कितनी है तुम्हारी, बता रहे थे 50। और ये भाई साहब हमारे, इनकी परसेंटेज है 62, फिर भी ऑर्डर नहीं दे रहा है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं ओला चलाएंगे। बिल्कुल ओला, और ओला ने तो इंसेंटिव सब खत्म कर रखे। फोटो से तो बढ़िया, खाली बैठे पूरे पूरे रह रह के, उससे तो बढ़िया होगा, मतलब अपना खर्चा निकलेगा कम से कम। भाई सुन रहे हो, भाई साहब अपनी अपनी अकल लगा रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि ये गधा मजदूरी वाला काम छोड़ के स्मार्ट वर्क करें, जिसमें काम मिले उसमें करें। सबसे बढ़िया है रैपिडो, राइड करो, चला रोड पर से उठाओ, रोड पर से छोड़ो। हाँ ये तो है भाई, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क है। अब आगे से स्मार्ट वर्क करोगे आप, ये गधा मजदूरी नहीं करोगे। ये गधे की तरह बैठे हुए हो, कब मेरे ऊपर बोझा डालेगी कंपनी तब मैं उसे पूरा करूंगा। ये तो मैंने बिल्कुल बधवा मजदूर बना रखा है। तो दोस्तों सुना आपने भाई, ये थे हमारे कुछ राइडर जो हमें नोएडा फेस 2 के अंदर मिले थे। अभी जो भाइयों ने राय दी कि हम तो भाई सभी कंपनियों में काम करेंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं कि सभी कंपनियों में काम करो? तो ये तो घिसा पिटा डायलॉग हो गया, ये तो सभी को ही मारते हैं। हर कोई बताता है कि भाई एक कंपनी के भरोसे मत रहो, सब में काम करो, जिसमें काम आए उसमें करो। क्या इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं? अगर ये स्मार्ट वर्क है तो हम तो भाई ऐसे काम नहीं करेंगे, क्योंकि तो हमारा स्मार्ट वर्क तो कुछ अलग तरीके का है। चलिए पहले किसी और भाई की राय लेते हैं स्मार्ट वर्क के बारे में, फिर हम अपनी राय भी बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली NCR के ये यूट्यूबर हैं जिनको आप फॉलो करते हो, पसंद करते हो, वो भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ना कि बाइक टैक्सी के अंदर गधा मजदूरी कर रहे हैं। उनकी कहानी भी बताएंगे, पहले ले लेते हैं किसी भाई की राय। तो दोस्तों राइडर तो हमें दो मिले भाई, ऐसी बात नहीं है, और दोनों ने ही अपनी राय दी। लेकिन जब तक हम माइक निकालते उनकी बातों को आपको रिकॉर्ड करके सुनाते, तब तक संजय जी का कॉल आ गया था। खैर बताते हैं अभी संजय जी की, लेकिन राइडर ने क्या बताया वो हम आपको जरूर बताना चाहते हैं। तो एक राइडर भाई मिले जो सुबह 6 बजे से निकलते हैं और दोपहर को घर आ जाते हैं, देन उसके बाद फिर 4 बजे के आसपास निकलते हैं और रात के 10-11 बजे तक काम करते हैं। और भाई हमने उनसे पूछा कि भाई कितने का काम कर लेते हो अगर महीने की एवरेज पकड़े, तो उनका कहना है 30,000 से 35,000 रुपए के बीच में वो काम करते ही करते हैं। अब नसीब देखो इतना बढ़िया कि एक और भाई वहां पर आ गए, उनके पास प्लेटिना बाइक थी, उनका कहना है कि 5,00,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, कोरोना से भी पहले से चला रहा हूँ मैं बाइक टैक्सी, और 8वां टायर में बदलवा चुका हूँ, और महीने के तीन बार तो वो महीने के अंदर सर्विस करवाते ही करवाते हैं। तो काम तो दोनों ही बड़ी मेहनत से कर रहे थे और अच्छा कमा भी रहे हैं, लेकिन बचा क्या रहे हैं इसके बारे में जानकारी तो वीडियो के एंड में ही हम आपको देंगे। लेकिन हाँ, जो संजय जी की बात कर रहे थे, तो भाई संजय जी के साथ ये घटना घट गई है कि संजय जी का मोबाइल ऊपर की जेब में रखा हुआ था और संजय जी राजघाट के पीछे वाला जो बाईपास वाला रोड है उस पर जा रहे थे, और कोई बाइकर पीछे से आया और उसने उनके ऊपर वाली जेब में से मोबाइल निकाल लिया। एक दूसरा मोबाइल है वो उनकी जेब में रहता है, उससे उन्होंने फिर हमें कॉल किया और ये सारी घटना की जानकारी दी। तो जब तक हम संजय जी से बात कर रहे थे तब तक उन दोनों भाइयों की ट्रिप आ गई, नहीं तो उनका लाइव इंटरव्यू मैं आपको जरूर दिखाता। खैर जो भी उन्होंने काम बताया और जो काम करने की अवधि बताई, उसके हिसाब से भी हम वीडियो के एंड में जरूर निकालेंगे कि क्या बाइक टैक्सी गधा मजदूरी है या स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा तो आपको पता ही है कि भाई संजय जी का मोबाइल जो है वो राजघाट के पीछे वाले रोड से कोई छीन कर ले गया। बाद में पता चला था भाई एक नहीं दो दो मोबाइल छीन के ले गया, दो मोबाइल रखे हुए थे, बहुत तगड़ा लॉस हो गया। खैर FIR दर्ज करा दी गई है, नए नंबर निकलवा लिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अपने उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर हम पूरी वीडियो यहाँ तक लेकर आए हैं। जी हाँ, बाइक टैक्सी
स्मार्ट वर्क है या फिर है गधा मजदूरी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उन भाइयों की जो हमें मिले थे नोएडा फेज टू के अंदर। उनकी अगर बात को देखा जाए ना, तो वाकई उसे हम कह सकते हैं गधा मजदूरी। जी हाँ, क्योंकि उसके अंदर वो इंतजार कर रहे हैं कब गधे के ऊपर बोझा कंपनी लादेगी और कब वो कमाएंगे, नहीं तो बैठे रहते हैं। हमने बहुत से ऐसे राइडर देखे हैं जो दिन भर बैठे हुए हैं और कुछ उन्हें सूझ ही नहीं रहा है कि कम से कम उस टाइम में कुछ और तो कर ले। अरे कम से कम अगर वो छोटी मोटी राइड लेके जगह ही बदल लेंगे तो कुछ कमाई होगी प्लस जगह बदल जाएगी। हो सकता है उस जगह पर उस कंपनी का ऑर्डर ना आ रहा हो तो कम से कम जगह बदल लो, लेकिन वैसा भी नहीं। कुछ आदत ऐसी पड़ गई है राइडर को, पार्सल डिलीवरी में काम करने वालों को, कि वो एक जगह पर जम के बैठ जाते हैं और वो है वाकई गधा मजदूरी। क्योंकि गधे को भी आदत पड़ी हुई होती है कि मुझे यहाँ से बोझा उठाना है और वहाँ जाना है, वो अपनी अकल बिल्कुल नहीं लगाता है। अब बात करते हैं अगर हम बाइक टैक्सी के अंदर वो दो मेहनती भाइयों की जो सुबह 6 बजे निकलते हैं और रात के 11 बजे घर में घुसते हैं, बीच में 1-2 घंटे के लिए आराम करते हैं। तो उनकी टाइमिंग जो हमने चेक करी, तो टाइमिंग के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो भाई तकरीबन 14-15 घंटे काम कर रहे हैं। हमने मजाक में उनसे भी बोला भी था कि भाई सोते कब हो, तो बस हंस के टाल दिया उन्होंने। क्योंकि मैं सही बताऊं कि वाकई अगर देखा जाए तो वो भी गधा मजदूरी कर रहे हैं। अब क्यों बोल रहा हूं ये बात, तो वो भी गौर से सुनिए। उनके कहे अनुसार वो काम 30,000 से 35,000 के बीच में करते हैं और कम से कम 3 सर्विस करवाते हैं। अगर हम 30,000 रुपये पकड़ लेते हैं, क्योंकि किसी दिन छुट्टी भी कर लेते होंगे, किसी दिन नहीं भी करते होंगे, किसी दिन लेट निकलते होंगे, किसी दिन जल्दी भी निकलते होंगे, अगर उसके हिसाब से हम 30,000 को काउंट कर लेते हैं तो महीने की 3 सर्विस भी घटा लेते हैं तो 3,000 ये घटाया तो बचा 27,000 रुपये। अब आप जानते हैं, आप काम करते हैं, हम भी ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमें भी पूरा एक्सपीरियंस है कि भाई 1,000-1,200 रुपये का काम करने के लिए 300 रुपये का पेट्रोल तो 100% लगता ही है, चाहे आपकी प्लेटिना हो, चाहे पैशन हो, कोई भी हो। तो भाई अब 300 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये और घटा देते हैं तो 27,000 रुपये में से 9,000 रुपये घटाने के बाद आपके हाथ में बचा 18,000 रुपये। तो ये है भाई पूरी दबा के 14 घंटे मेहनत करने के बाद बचत। अभी इसके अंदर कुछ और पॉइंट भी हम घटा ही देते हैं। क्यों घटा रहे हैं वो, क्योंकि आप भी जानते हो जब इतनी ज़्यादा बाइक रनिंग करती है तो हमने अभी जो पैसे घटाए हैं वो सिर्फ सर्विस के घटाए हैं। जी हाँ, सिर्फ सर्विस के घटाए हैं, हमने मोटे कामों के पैसे तो घटाए ही नहीं हैं। जैसे चैन सॉकेट लग गया, ब्रेक शू लग गए, अगले ब्रेक शू लग गए और लास्ट में इंजन भी होता ही है, आपको पता ही है इस लाइन के अंदर। उसके पैसे भी अगर हम घटा देते हैं तो 18,000 में हम पर मंथ के इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो 2,000, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2,000 रुपये और लेके चलते हैं, तो नेट बचत जो आ रही है वो आ रही है 16,000 रुपये। अब आप चाहे 14 घंटे काम करो या 16 घंटे काम करो, 100% बात है कि भाई आप 16,000, 17,000, 18,000 रुपये से ऊपर इस लाइन के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि बाइक टैक्सी गधा मजदूरी है या स्मार्ट वर्क। देखिए, हमने बाइक टैक्सी छोड़ दी है, आपको हमने बताया ही है, लेकिन जब कल हम मार्केट में निकले ना तो हमने भी एक चीज़ महसूस करी कि हम भी कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल हमारा भी भाई कम से कम 100-125 रुपये का तो पेट्रोल लग ही गया। अभी एक वीडियो बनाने के लिए जिसकी कमाई कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि आपको पता है व्यू ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि हम समझाते हैं और लोग समझना नहीं चाहते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए व्यू ज़्यादा नहीं आते तो कमाई ज़्यादा नहीं होती है। तो जिस काम के अंदर पैसों की कमी है, पैसे कम आ रहे हैं, उसमें रोज के 125 रुपये क्यों खर्च करें? तो यहाँ पर हम करेंगे कुछ स्मार्ट वर्क। जी हाँ, आने वाली वीडियो के अंदर वो स्मार्ट वर्क आपको नज़र भी आएगा और पता भी चलेगा कि हम क्या स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। अगर हमें भी कहीं पर जाना है किसी का इंटरव्यू लेने या किसी काम से, तो पेट्रोल क्यों फूकें अपना, वहाँ पर हम चलाएंगे अपना दिमाग और करेंगे स्मार्ट वर्क। अब जाते जाते आपको हमने एक बात और बोली थी वीडियो के अंदर कि यूट्यूबर, आपके यूट्यूबर, आपके चहेते यूट्यूबर जिनको आप देखते हो, वो भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं चलिए बताते हैं। वो भी आप VSK भाई को तो जानते ही हैं,
वीएसके भाई के पास 200 सीसी वाली बाइक है। अब आप सोचिए कि अगर कोई सिर्फ बाइक टैक्सी कर रहा होता तो क्या उसको पड़ता खा जाएगा 200 सीसी बाइक से इस बाइक टैक्सी के अंदर? बिल्कुल नहीं ना। जी हाँ, क्योंकि वीएसके भाई कर रहे हैं स्मार्ट वर्क, वो बाइक टैक्सी को केवल यूज कर रहे हैं अपनी उन वीडियो के लिए, और अच्छी भी बात है। इसी तरीके से हमारे लोकेश भाई हैं, वो भी भाई सेम यही काम कर रहे हैं। उनका अपना ऑयल सप्लाई का काम है, उनका अपना पर्स का काम है, अपना बेल्ट सप्लाई का काम है, इसके अलावा छोटे मोटे और भी काम हैं उनके, और बाइक टैक्सी को वो यूज़ कर रहे हैं उन कामों के लिए। जब उनको अगर सदर जाना होता है या ऑयल लेने जाना होता है तो वो खाली नहीं जाते हैं वहाँ पर। वो क्या करते हैं, ओला उबर रैपिडो पोर्टर बोर्जो अंकल डिलीवरी, किसी का भी कोई भी ऑर्डर मिल गया उस साइड का जिस साइड में उनको जाना है, तब इसको यूज करते हैं बाइक टैक्सी को या पार्सल को, और अपना काम करते हैं। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। इसी तरीके से अगर हम बात करें आफ्ताब भाई की, तो आफ्ताब भाई अभी और कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन स्मार्ट वर्क की तरफ उन्होंने अपना टारगेट बना रखा है। आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगी उनकी ऐसी, जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आफ्ताब भाई भी ये वाला स्मार्ट वर्क कर रहे थे। इंतज़ार करिए, ज़्यादा दिन नहीं है, वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे मुन्ना भाई हैं, वो भी अलग काम करते हैं एक और। लेकिन सब कामों को करने के लिए जो खर्चा लग रहा है या कहीं जाना है, उस खर्चे को बचाने के लिए हर कोई जो है वो बाइक टैक्सी को यूज कर रहा है। प्लस कंटेंट के लिए, क्योंकि यूट्यूबर हैं, वहाँ से भी कमाई आती है, तो कंटेंट क्या बनाए। अब कल जैसे हम गए, हमने इंटरव्यू लेना चाहा लोगों का, तो लोग बाग कैमरे के सामने आके बोलने को राजी नहीं, तो कंटेंट कहाँ से लाएंगे। हमारे सामने भी ये समस्या आ गई। हमने कुछ सोचा है, और वो क्या सोचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको, आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी पता चलेगा कि मिश्रा जी का स्मार्ट वर्क क्या है। खैर, एक जीती जागती कहानी हम आपको जरूर बताना चाहते हैं कि कैसे स्मार्ट वर्क होता है, कैसे कोई व्यक्ति विपदा में घिरने के बाद यानी परेशानियों में आने के बाद बाइक टैक्सी को यूज करके वापस से अपने उसी मुकाम पर जहां पर वो पहले था उसको हासिल करता है, उसे भी कहते हैं स्मार्ट वर्क। और उसकी पूरी कहानी, जो कि सच्ची कहानी है, जी हां बिल्कुल सच्ची कहानी है, वो कहानी सुनने के लिए आप मिश्रा जी कहिन यूट्यूब चैनल पर, हमने आज ही एक वीडियो और डाला है, जी हां उसको आपको सुनना है, क्योंकि वो ब्लैक स्क्रीन होगी और हम चाहते हैं वो ब्लैक स्क्रीन आपके जीवन से अंधकार को दूर करे। उस वीडियो का लिंक भी हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी सुनिएगा, शायद आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और रियल में आप जान पाएंगे कि बाइक टैक्सी गधा मजदूरी है या फिर है स्मार्ट वर्क। मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो के अंदर, और जाते जाते कहेंगे जय हिंद जय भारत।